गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास इन सुपीरियर मॉडल स्कूल। जैसा कि हमारा फाइनल टर्म स्टार्ट हो चुका है, आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। तमाम बच्चे अपनी उर्दू की किताबें निकालें। आज हम पढ़ेंगे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु। सफ़ा नंबर है हमारे पास 72। सबसे पहले है हमारे पास मुश्किल अल्फाज। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फारूक। फारूक के मायने हैं सच और झूठ को अलग करने वाला। फिर है हमारे पास खाना काबा, अल्लाह का घर। नंबर 3 है हमारे पास हज, ज़ियारत करना। नंबर 4 तवाफ, चक्कर लगाना, खाना काबा के गेट चक्कर लगाना। नंबर 5 है हमारे पास गुस्ताख, बेअदब। नंबर 6 है हमारे पास रसीद किया, मार दिया, जैसे कि किसी को थप्पड़ मार दिया हो। अब आ जाए अपने सबक की तरफ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़ारूक का नाम दिया था। फ़ारूक के मायने हैं सच और झूठ को अलग अलग करने वाला। हज़रत उमर फ़ारूक बहुत इंसाफ पसंद थे। कोई अमीर हो या गरीब, आप रज़ियल्लाहु अन्हु सब के साथ इंसाफ फरमाते थे। एक दफ़ा एक बादशाह मुसलमान हो गया। इस बादशाह का नाम जबला था। जबला हज करने के लिए मक्का आया। वो खाना काबा का तवाफ कर रहा था। खाना काबा मतलब मैंने आपको बताया अल्लाह का घर, और तवाफ मतलब चक्कर लगाना। दूसरे लोग भी तवाफ कर रहे थे। जबला की चादर नीचे लटक रही थी। इसकी चादर के कोने पर एक गरीब बदू का पैर पड़ गया। जबला ने इस बदू को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतने ज़ोर का था कि गरीब बदू की आंख फूट गई। वो रोता रोता हज़रत उमर फ़ारूक के पास गया। हज़रत उमर फ़ारूक ने बदू की बात सुनी। उन्होंने जबला को बुलावा भेजा। जबला आया तो आपने इससे पूछा, तुमने इस गरीब को थप्पड़ क्यों मारा? जबला बोला, जनाब इस गुस्ताख मतलब इस बेअदब ने हमारी चादर पर पांव रख दिया था। इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की। हम बादशाह हैं, इस गुस्ताखी पर हम इसे कत्ल कर देते। थप्पड़ तो मामूली बात है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जबला तुम अब मुसलमान हो चुके हो। इस्लाम में अमीर या गरीब, बादशाह या गदा में कोई फ़र्क नहीं। जुल्म कोई भी करे इससे बदला लिया जाता है। तुम बदू से माफ़ी मांगो, अगर वो तुम्हें माफ़ कर दे तो खैर, नहीं तो थप्पड़ के बदले में तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। जबला, ए मोमनों के अमीर, ये कैसे हो सकता है कि बादशाह गरीब आदमी से माफ़ी मांगे या बदू बादशाह को थप्पड़ मारे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम में सब मुसलमानों के हकूक़ बराबर हैं, इसलिए तुम्हें इस जुल्म का बदला देना होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बदू को इजाज़त दी कि वो जबला को थप्पड़ मारे। बदू ने आगे बढ़कर जबला के एक थप्पड़ रसीद किया, मतलब कि उसको एक थप्पड़ मार दिया। यहाँ तक तमाम बच्चे अपने बुक पर निशान लगाएं और आज की डेट लिखें।